हाँ जी बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं जो नीट में आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं और आप सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। इसमें बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट पे। आप अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं कि कौन सी डाइकॉट्स में है, कौन सी मोनोकॉट्स में है। तो डू रिमेंबर फाइबरस रूट जो है वो फाइबर्स के गुच्छे जैसी दिखती हैं। आपने ग्रासेस में देखा होगा या वीट राइस में देखा होगा, प्लांट के नीचे की तरफ आपको इस तरह से रूट्स दिखती हैं। तो सीधी सी बात है, वीट ग्रासेस वगैरह मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं, तो फाइबरस रूट्स आपको याद रखनी है मोनोकॉट्स में, जबकि टैप रूट आपको याद रखनी है डाइकॉट्स में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, एंड थॉर्न एंड टेंड्रिल। जब आप स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं वहाँ पर थॉर्न एंड टेंड्रिल पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो थॉर्न का मतलब होता है कांटे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जबकि टेंड्रिल होता है इस तरह का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर जो क्लाइंबर्स को सपोर्ट करने में मदद करता है। जबकि थॉर्न आपने देखा होगा गुलाब में, रोज में, बॉगनविलिया में, सीट्रस प्लांट में। दोनों में एक कॉमन बात याद रखना कि दोनों ही एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है ना। स्टेम में हम कई बार कंफ्यूज जाते हैं बच्चों, किसी भी स्टेम के एपेक्स पर जो बड्स लगी रहती हैं वो अपाइकल बड होती हैं, जबकि स्टेम के नोड्स में जो एक्सेस में जो बड्स होती हैं ये होती हैं एक्सिलरी बड्स। तो एक्सिलरी बड से हमेशा थॉर्न और टेंड्रिल अराइज होते हैं, ठीक है। देन यस, बहुत फ्रिक्वेंटली अगेन इस पे क्वेश्चन बनता है फाइलोक्लेड पे। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल आता है ओपेंशिया। कैसे याद रखेंगे आप, नॉट ओनली ओपेंशिया, ओपेंशिया जो कि कैक्टस का ही एक टाइप है, इसके अलावा यू फोरबिया में भी फाइलोक्लेड प्रेजेंट होता है। यू नो ये दोनों ही सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, जेरोफाइट्स हैं, है ना। और जेरोफाइट्स में क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो कांटों में यानी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे जिससे ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस कम से कम हो, तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो इसके लिए इनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, और इसी फ्लैट स्टेम को, ये जो फ्लैशी स्टेम है उसको कहते हैं फाइलोक्लेड, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फ्लैशी स्टेम है ये फ्लैट होता है ओपेंशिया में, जबकि सिलेंड्रिकल होता है यू फोरबिया में, है ना। दोनों पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइलोक्लेड के साथ हमेशा ऑप्शंस में क्लैडोड भी गिवन होता है। तो क्लैडोड जो है बच्चों, यहाँ पर भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, बट क्लैडोड का एग्जाम्पल होता है एस्पैरेगस एंड रस्कस। और क्लैडोड में क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेम फोटोसिंथेटिक ना होकर एक इंटरनोड फोटोसिंथेटिक, मतलब एक इंटरनोड जो है वो स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर एक इंटरनोड कन्वर्ट हो रही है तो वो तो हुआ क्लैडोड, बट अगर पूरा का पूरा स्टेम कन्वर्ट हो रहा है तो वो हुआ फाइलोक्लेड। और अगेन आप कन्फ्यूज हो सकते हो फाइलोड के साथ, जो कि स्टेम का नहीं बल्कि लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये आप पढ़ते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। और इसका एक और कॉमन एग्जाम्पल है पार्किंसोनिया। आप उसमें देखो लीफ मॉडिफिकेशन में गिवन होगा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसका नाम नहीं है, वहाँ पर लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो पत्तियाँ हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वो गिर जाती हैं, पर उनके पिटियोल्स रह जाते हैं और पिटियोल पत्ती की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट्स वाई फिलोड। इसमें भी फाइलो वर्ड आ रहा है, इसमें भी फाइलो वर्ड आ रहा है, क्योंकि फाइलो वर्ड लीफ के लिए आता है। डू रिमेंबर फाइलोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि फाइलोड में पिटियोल लीफ की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों टर्म्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना, नीट से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लीफ में आप पिटियोल एंड पल्विनस के बारे में पढ़ते हैं, कई बार जल्दीबाजी में आप कोई गलत ऑप्शन टिक ना कर दें इसलिए बता रही हूँ। पिटियोल तो आप सभी को पता है, लीफ का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर लीफ लगी रहती है, दिस इज पिटियोल, है ना। ये लीफ बेस, ये पिटियोल हो गया, ये पूरा लीफ लैमिना हो गया। व्हाट इज पल्विनस, कुछ लेग्यूम्स प्लांट्स में स्पेशली ये जो पिटियोल का एकदम लास्ट बेसल पार्ट है बच्चों, लीफ बेस है बल्कि यूँ कह दो, ये लीफ बेस फूल कर मोटा हो जाता है, और इस फूले हुए स्वॉलन लीफ बेस को ही आप क्या कहते हैं, पल्विनस, ठीक है। तो पल्विनस आपको कहाँ मिलेगा, डू रिमेंबर इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबेसी फैमिली, ये फेबेसी फैमिली में मिलेगा, यानी कि लेग्यूम्स में मिलेगा। अच्छा, जब भी इस चैप्टर में लेग्यूम्स का नाम आए हमेशा दिमाग में आपके फेबेसी भी आना चाहिए। जो भी कैरेक्टर लेग्यूम या फेबेसी का है वो कॉमनली पूछा जाता है नीट में, ठीक है। देन पिनेट एंड पामेट लीव्स, बहुत सिंपल है। पिनेट लीव में क्या होगा, लीफ जो है, जो पूरी लीफ है उसमें इस तरह से लीफलेट लगे रहेंगे, ठीक है, जैसे ईयर पिन्ना होता है बिल्कुल उस तरह से पूरी की पूरी जो लीफ है वो बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है। सो दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। जबकि पामेटली, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं, नीम में ऐसा होता है, गुआवा में होता है, जबकि
पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारी पाम है और उस पर हमारी फिंगर्स लगी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो पिटियोल है इसके टिप ऑफ पिटियोल पर लीफलेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की लीफ आपको दिखेगी तो वो होगी पामेटली कंपाउंड लीफ, और इसका एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है ध्यान रखना, दैट इज सिल्क कॉटन, ठीक है। देन ये भी बहुत कॉमनली आता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दो तरह के वेनेशन आप लोग पढ़ते हैं। रेटिक्यूलम वर्ड हमेशा बायो में नेटवर्क के लिए आता है, तो इस तरह का जो रेटिक्यूलर वेनेशन है वो तो डाइकॉट में याद रखना है आपको। और आप सभी ने बनाना की लीफ देखी होगी बच्चों, बनाना की लीफ में इस तरह से पैरेलल वेन्स होती हैं, तो बनाना किस में आता है, मोनोकॉट में। तो आप इजीली मतलब कोरिलेट कर सकते हैं कि पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट में मिलेगा, जबकि रेटिक्यूलेट वेनेशन आपको मिलेगा डायकॉट में। डू रिमेंबर विद द एग्जांपल ऑफ बनाना लीफ, क्लियर। देन इनफ्लोरेसेंस में आप ज़्यादा डिटेल में तो पूछते नहीं हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में है दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस उसी से क्वेश्चन बनता है बच्चों। इसमें अक्सर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसमें फ्लोरल एक्सिस इनडेफिनेटली ग्रोथ करती है और किसमें लिमिटेड ग्रोथ करती है। तो मैंने पहले भी आपको ये ट्रिक बताई थी, रेसिमोस का मतलब है जिसमें फ्लावर्स और एक्सिस रेस लगाएंगे, यानी अगर ये फ्लोरल एक्सिस है तो इस पर ये मान लो, सॉरी लीफ नहीं, ये मान लो फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये फ्लावर्स आते गए, अब फ्लोरल एक्सेस और बढ़ गई, फिर नए फ्लावर्स आ गए, फिर इसकी और लेंथ बढ़ गई, नए फ्लावर्स आ गए, तो दोनों में रेस चल रही है ना, एक तरफ ये ग्रो करती जा रही है, एक तरफ नए फ्लावर्स आते जा रहे हैं, तो दोनों रेस लगा रहे हैं, दिस इज रेसिमोस। क्यों ये ग्रोथ कर पा रही है, क्योंकि इसका टिप हमेशा मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं आया है, अगर यहाँ पर फ्लावर आता तो टिप की ग्रोथ बंद हो जाती, ठीक है। तो रेसिमोज में फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं बच्चों, एक्रोपीटली ग्रो कर रहे हैं, एक्रोपीटल यानी न्यू फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स हमेशा ऊपर की तरफ है जबकि पुराने फ्लावर्स हमेशा बेस पर हैं। और ये जो रेसिमोज है इसमें मैंने कहा आपको इनफाइनाइट ग्रोथ होगी, किसकी, फ्लोरल एक्सिस की, ठीक है, इनफाइनाइट ग्रोथ होगी एंड नो एपाइकल फ्लावर, एपेक्स पर आपको फ्लावर नहीं मिलेगा, जबकि है ना याद रखोगे रेसिमोज। अब इसके जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टर कर दो साइमोज में, साइमोज में क्या करना है, ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस पूरी बढ़ जाएगी उसको जितना लंबा होना है, और सबसे पहला फ्लावर आएगा उसके टिप पर, ठीक है। उसके बाद जो नए फ्लावर्स आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है फ्लावर्स के आने का, नोड पे किस तरह से ब्रांचिंग होगी, बट मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। तो न्यू फ्लावर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो दिस इज बेसिपीटल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेट ग्रोथ हो रही है एक्सिस की, फिक्स ग्रोथ हो रही है, इनफाइनाइटली नहीं बढ़ रही है वो, और एपाइकल फ्लावर हमेशा आपको प्रेजेंट मिलेगा, क्लियर। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। देन इनफ्लोरेसेंस के जो दूसरे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। देन येस, फ्लावर्स की सिमेट्री पर या तो अलग से क्वेश्चन आ जाता है या बहुत सारे फ्लावर्स के नाम दे देते हैं, आपको छांटना होता है कि कौन सा फ्लावर रेडियल सिमेट्री है, कौन सा बायलैटरल सिमेट्री है। तो एक्टिनोमॉर्फिक हम इस टर्म में कन्फ्यूज हो जाते हैं, रेडियल और बायलैटरल तो हमें याद रहता है, तो देखो बहुत आसान है याद रखना, जाइगोमॉर्फिक में जाइगो आ रहा है, जाइगो यानी जाइगो को आप जाइगोट से याद रख सकते हैं, जाइगोट मेल एंड फीमेल गैमेट दो के फ्यूजन से बनता है, तो जाइगो यानी दो यानी बायलैटरल, तो बायलैटरल सिमेट्री वाले फ्लावर्स को क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, और जो रेडियल सिमेट्री है उसको सिंपली आप कह दो एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे आप प्लस के सिंबल से इंडिकेट करते हो, और क्योंकि ये बायलैटरल है ना तो ऐसे दो सिंबल्स परसेंटेज का साइन लगाते हो। अब याद कैसे रखोगे, देखो जो फैमिलीज आपके कोर्स में हैं उनमें से अगर आपको ध्यान हो तो फैबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला में ये वाला सिंबल है, क्योंकि वहाँ पर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, पढ़ते हो ना आप वेक्सिलरी एस्टिवेशन, एक स्टैंडर्ड दो लैटरल और दो आगे की तरफ फ्यूज्ड कील्स होती हैं, तो ये बायलैटरल सिमेट्री ही तो है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। फैबेसी फैमिली यानी कि लेग्यूम्स में पी ग्राउंडनट वगैरह जो हैं इनमें आपको मिलेगी बायलैटरल सिमेट्री, बाकी जो फैमिलीज आपके कोर्स में हैं जैसे ब्रैसिकेसी है ना, और सोलेनेसी है, लिलिएसी है, इन सभी फैमिलीज में आपको मिलेगी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। जो जो तीन न्यू फैमिलीज आपके कोर्स में ऐड हुई है ना, एस्टरेसी, मालवेसी और पोएसी, उनका मैंने एक अलग लेक्चर चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो आप उन वाले सेशन को देख सक उस सेशन को देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एपिगाइनस एंड हाइपोगाइनस फ्लावर। यस, फ्लावर में से अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो वो सुपीरियर ओवरी एंड इन्फीरियर ओवरी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, फ्लावर के टाइप्स में देखना, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। यहाँ पर एपिगाइनस का मतलब होता है अबव द गाइनोशियम,
इसमें आप गलती क्या करते हैं, आप यहाँ पे गाइनोशियम को सबसे ऊपर बिठा देते हैं। गाइनोशियम को ऊपर नहीं बिठाना, जैसे अगर मैं कह दूँ कि कोई चीज़ अबव द टेबल रखी है तो इसका मतलब टेबल के ऊपर रखी है ना, टेबल तो उस चीज़ के नीचे ही हुई, तो अबव द गाइनोशियम का मतलब कि जो भी थैलेमस है उस पर अगर ये ओवरी की पोजिशन है तो बाकी सारे पार्ट्स इसके ऊपर हैं, यानी यहाँ से अराइज हुए हैं, ये ओवरी की ओरिजिन है, ये इन पार्ट्स का ओरिजिन है, ठीक है। जबकि हाइपोगाइनस का मतलब होता है बिलो द गाइनोशियम, बिलो द गाइनोशियम यानी अगर ये थैलेमस है, ये ओवरी है, तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो इसके नीचे से अराइज होंगे। नीचे से मतलब यहाँ से, देखो इनका जो ओरिजिन है वो ओवरी के नीचे से होगा, तो इसका मतलब ओवरी कैसी हुई, सुपीरियर हुई। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है क्योंकि बाकी चीज़ें ओवरी के नीचे है, जबकि एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी जो है वो इन्फीरियर होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पेरीगाइनस फ्लावर के भी दो डायग्राम हैं, पेरीगाइनस में बाकी सारे फ्लोरल पार्ट ओवरी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगेन इनके एग्जांपल्स भी आप रिवाइज कर लेना। जब हम इन्फीरियर ओवरी को दिखाते हैं ना बच्चों, तो फ्लोरल फॉर्मूला के सिंबल में इस तरह का साइन लगाते हैं, जी को हमने लाइन के नीचे बिठा दिया। जब सुपीरियर ओवरी को दिखाते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला में इस तरह का सिंबल लगाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में चार फैमिलीज के जो फ्लोरल फॉर्मूला हैं, चारों में यही वाला सिंबल है। इसका मतलब जो चार फैमिलीज आपके एनसीईआरटी ने दे रखी है, ओल्ड एनसीईआरटी ने, वहाँ पर चारों में ही कैसी ओवरी मिलेगी आपको, सुपीरियर ओवरी मिलेगी। तो आप उन सबके एग्जाम्पल्स को ईजिली कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। देन यस, स्टेमन्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो इन दो टर्म्स पर आया है, डाईएडेल्फस स्टेमन, ये तो अभी रिसेंटली नीट में पूछा गया था, 2 से 3 बार आ चुका है, एंड पॉलीएडेल्फस। तो देखो डाईएडेल्फस वर्ड का मतलब होता है बच्चों ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, जब स्टेमन्स आपस में बंडल बना लें, है ना। अगर ये बंडल दो हैं, अगर ये दो बंडल्स हैं तब तो डाईएडेल्फस, जब आप पी फैबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो तो फैबेसी फैमिली में आप एंड्रोशियम में इस तरह लिखते हो 9+1, ठीक है। तो ये जो 9+1 है इसमें 9 नहीं तो एक साथ एक बंडल बना रखा और एक अलग है, इस कंडीशन को कहते हैं डाईएडेल्फस। तो डाईएडेल्फस किस में मिलेगा, लेग्यूम्स में, पी में, ग्राउंड नट में, ठीक है। जबकि पॉलीएडेल्फस का मतलब मैनी बंडल्स, ठीक है। मैनी बंडल्स में आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है सीट्रस प्लांट्स, सीट्रस प्लांट्स में स्टेमन्स बंडल्स में तो हैं बट एक या दो बंडल ना होके बहुत सारे बंडल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें आप एक टर्म और याद रखना, यहाँ पे कई बार हम पॉलीएडेल्फस को ना पॉलीएंड्रस के साथ मिक्स कर देते हैं बच्चों, देखो कितना मिलता जुलता टर्म है। पॉलीएंड्रस में क्या होता है, जो एंड्रोशियम है ना, यानी जो स्टेमन्स हैं वो सब फ्री हैं, बंडल्स हैं ही नहीं, क्योंकि एडेल्फस वर्ड का मतलब होता है बंडल, ठीक है। तो पॉलीएंड्रस में फ्री स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स फ्यूज ही नहीं होते, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर एक चीज़ मुझे और बतानी थी, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, मुझे अभी ध्यान आई, टर्म दो टर्म दे रखी है आपकी बुक में, एक तो एपिफिलस, एपिफिलस और एक एपिपेटालस, एपिपेटालस है ना, इस पर भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। एपिफिलस को एपिटेपालस भी बोलते हैं बच्चों, आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखो, इसमें टेपल आया है, इसमें पेटल आया है, ठीक है। ये किसका फ्यूज़न है, ये स्टेमन का दूसरे मेंबर के साथ फ्यूज़न है। तो अगर मान लो किसी में स्टेमन यानी एंड्रोशियम टेपल्स, टेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पेरियंथ, अगर टेपल्स पेरियंथ के साथ फ्यूज है तो वो हुआ एपिटेपालस या एपिफिलस। पेरियंथ आप कौन सी फैमिली में पढ़ते हो, लिली फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, तो बट ऑबियस ये कंडीशन कहाँ मिलेगी, लिलिएसी में। और अगर एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स पेटल्स यानी कॉरोला के साथ फ्यूज हैं तो फिर आपको कंडीशन मिलेगी एपिपेटालस। ये सिंबल आपने यूज किया है सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, सोलेनेसी, दैट इज पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, रतूरा, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है ना, उसके एग्जांपल्स को आप जितना फैमिली के साथ याद करोगे उतने ही आपको नीट में सही ऑप्शन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देन फ्लावर में एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन पर भी बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो आप इन सब के एग्जांपल्स खुद से रिवाइज कर लेना, डायग्राम्स भी रिवाइज कर लेना। इफ़ यू रिमेंबर, ये वेलवेट एस्टिवेशन है जहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अगर फिक्स पैटर्न में ओवरलैपिंग है तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है चाइना रोज, जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नई ऐड हुई है तो पूछे जाने के चांसेस हैं। इस चैप्टर में जितनी भी बार चाइना रोज आया है मैंने आपको क्या रखा है, उसको आप अलग से सेग्रीगेट करके रखो, उस बॉक्स को लास्ट टाइम पे ज़रूर रिवाइज करके जाना।
वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, आंकड़े में मिलेगा आपको वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको मिलता है केसिया एंड गुलमोहर में, केसिया एंड गुलमोहर में। और अच्छा, केसिया से यहाँ मुझे एक चीज़ और याद आई, जो हमने सिमेट्री पढ़ी थी ना, उसमें एक एसिमेट्रिकल फ्लावर्स भी होते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स भी होते हैं, उसमें एग्जाम्पल होता है क्याना, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई काना पर्सन होता है तो उसकी आईज में सिमेट्री नहीं होगी ना, एक आई बंद होगी एक खुली होगी, तो क्याना में एसिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं। डोंट मिक्स इट विद द केशिया, केशिया से मिक्स मत कर देना इसे, ठीक है। केशिया और गुलमोहर में इम्ब्रिकेट सिमेट्री, और ये तो अभी अभी बताई थी मैंने आपको, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, सॉरी इम्ब्रिकेट सिमेट्री बोल दिया मैंने, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लेग्यूम्स यानी कि फैबेसी फैमिली में, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, पल्सेस, इनमें, ठीक है। ये पांचों प्लेसेंटेशन के डायग्राम्स हैं बच्चों, आप पहचान रहे होंगे, दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल पी का डायग्राम है, तो कौन सी फैमिली हो गई, फैबेसी फैमिली हो गई। ये एग्जाइल प्लेसेंटेशन है, जहाँ पर सेंटर में ओव्यूल लगे हैं और पूरी ओवरी डिवाइडेड है, देखो इन दोनों को एग्जाम में मिक्स मत कर देना, दोनों में फ़र्क देख रहे हो आप, दोनों में ओव्यूल सेंटर में लगे हुए हैं, बट एक में ओवरी चैम्बर्ड है जबकि एक में चैम्बर्ड नहीं है, तो जिसमें चैम्बर्ड है वो एग्जाइल है, आप नींबू काटते हो, टमाटो काटते हो, उसमें आपको क्लियरली चैम्बर्स दिखते हैं, तो एग्जाइल में लेमन आता है, चाइना रोज आता है और पूरी सोलेनेसी फैमिली आती है, इवन लिलियसी फैमिली में भी एग्जाइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। जबकि ये है फ्री सेंट्रल, मैंने याद कराया था आपको, ट्रिक बताई थी फ्री सेंट्रल, आप अपनी डीपी लगाने के लिए फ्री हैं, तो डीपी इज डायंथस एंड प्रिमरोज, क्लियर। यहाँ पर पेरीफेरी पर लगे हैं, दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल में पा आ रहा है, इसके साथ माँ याद रखना है, दैट इज माँ में आपने याद किया था मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ठीक है। और लास्ट है ये बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन में हम याद रखते हैं एस्टेरेसी फैमिली, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म जो न्यूली ऐड हुई है, जिसमें सनफ्लावर, मैरीगोल्ड ये सब आते हैं, ये बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर। देन लास्ट में अगर हम प्लांट फैमिलीज की बात करें, तो प्लांट फैमिलीज थोड़ा बड़ा सा तो टॉपिक है ही, बच्चों को रिवाइज करने में भी बहुत जोर आता है, तो मैंने इसके PYQs देखे थे बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे सब चीज़ों पे क्वेश्चन ना पूछ के फ्लोरल फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से ही ये लिस्ट उठाई है, तो देखो यहाँ पे आपको सिंपली मैच करना था कि कौन किसका करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला, या इंडिविजुअली पूछ लेंगे, तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ आप कैसे पहचानोगे एक नज़र में कि कौन किसका फॉर्मूला है। तो देखो बहुत सिंपल है, यू नो ब्रैसिकेसी जिसमें मस्टर्ड आता है, इसमें आप इस तरह से चार पेटल्स बनाते हैं ना, इसका पुराना नाम क्रूसीफॉर्म क्रूसीफेरी था ना, क्योंकि यहाँ पे क्रूसीफॉर्म शेप का कॉरोला होता है, तो यहाँ पर चार आते हैं, तो एक ही है जिसमें कि फोर दिया होगा, ये देखो यहाँ पे सब चीज़ें फोर के टू के मल्टीपल में है, तो जहाँ पर भी 2+2 4 इस तरह का आपको मिले उसको ब्रैसिकेसी का फॉर्मूला मानना है आपको, ठीक है। देन अगर हम लिलिएसी फैमिली की बात करें जो सबसे लास्ट में दी है, तो लिलिएसी है बच्चों मोनोकॉट्स की फैमिली, दैट इज लिली फैमिली, और मोनोकॉट्स में आप पढ़ते हैं ट्राइमेरस फ्लावर होता है, तो जहाँ पर भी 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा है जिस भी फ्लोरल फॉर्मूले में ये रहा है ना, और यहाँ पर आपको अभी बताया मैंने लिलिएसी में पेरियंथ होता है, टेपल्स होती हैं, तो सी और के नहीं मिलेगा फॉर्मूले में, पी मिलेगा, तो ये सीधा सीधा लिलिएसी हुआ, ठीक है। एंड इन दोनों को कैसे पहचानोगे, बहुत आसान है, फेबेसी में लेग्यूम्स आते हैं, लेग्यूम्स में बायलैटरल सिमेट्री होती है, और बायलैटरल सिमेट्री सिर्फ एक ही में है, दैट इज फेबेसी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डायडल्फस कंडीशन भी दिख रही है। एंड लास्ट में जो सोलेनेसी फैमिली है जिसको आप पोटैटो फैमिली बोलते हैं, इस सोलेनेसी फैमिली में क्या हो जाएगा, ये 5 पेंटामेरस फ्लावर यहाँ पर आपको मिलेगा, और इस पेंटामेरस फ्लावर में 5 के मल्टीपल में सारी चीज़ें हैं, ये देखो इवन यहाँ पर एपिपिटालस कंडीशन भी आपको दिख रही है, तो सी और ए जहाँ मैच कर रहा हो मतलब कंबाइंड हो वहाँ पर आपको सोलेनेसी फैमिली पर जाना है, ठीक है। चारों में आप देख सकते हैं जी के नीचे लाइन है, यानी सुपीरियर ओवरी है, अगर सुपीरियर ओवरी है यानी बाकी चीज़ें ओवरी गायनोशियम के नीचे हैं, तो आप उस फ्लावर को बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। ये हुआ आपका कंप्लीट अबाउट द मॉर्फोलॉजी।